एग्जाम्पल नंबर 11 ट्वेल्थ में आरबीएससी चैप्टर नंबर 7 एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशियल करना है यानी अवकलन करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको आप मान लो ये वाई के बराबर है ना, लेट। अगर आपके पहले वाई दे रखा है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं दे रखा तो वाई लेट कर दो उसको। यहां सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, एक्स की पावर एक्स है, इस कंडीशन में हमें लॉग ले लेना चाहिए और लॉग की जो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो लॉग एम की पावर एन एन लॉग एन टू दी बेसी, यहां पर है यहां दोनों में बेसी चलेगा। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर अपन करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर अच्छे हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग लगाने पर एक्स की पावर एक्स बेसी इसमें अंडरस्कोर रखें। अब आप इसमें देखो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे ना लॉग एम की पावर एन वाली, तो एक्स आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और ये log y को डीएससी। अब डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में तो d by dx of log y और ये d by dx of x log x बेस कंटिन्यूस के अंदर e रहेगा। log x का डिफरेंशियल ध्यान रखो d by dx of log x x। अब आप इसमें देखो x इंटू log x का हो गया 1 बाई एक्स प्लस ये log x और x का हो गया 1, ये हमारे पास 1 अपॉन वाई हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से इस y को ऊपर ले लो है ना, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 प्लस log x। यहां बहुत ध्यान देना बी सी कंटिन्यू चल रहा है, इसमें y की वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू कितनी है x की पावर x और बहुत ध्यान से 1 की जगह लिख सकते हैं log e टू दी बेस e, log e टू दी बेस e की वैल्यू 1 होती है। वैसे आंसर ये भी करेक्ट है बट यहां पर थोड़ा और इसको अच्छे ढंग से लिखना चाह रहे हैं, तो लोग 1 की जगह log e बेस e प्लस log x बेस e। यहां पर बहुत ध्यान से एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है log of m into n equals to log m plus log n, यहां पर बेस वही रहेगा तीनों के अंदर तो सकते हैं ना, जो यहां पर वही या दोनों जगह रहेगा यानी तीनों जगह बेस आपके सेम रहेगा। तो उस अगर प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं तो log m plus log n, इसको यहां देखो log m into n बन जाता है, तो आप इसको क्या लिख देंगे x की पावर x और ये m के और ये n, तो हमारे पास हो जाएगा log of e into x और to the base e, ये इसका आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करें तो और log की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद कर लें ताकि आपके कोई मिस्टेक नहीं है। इसका एक सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 11 का, sin x की पावर x, इसमें लेट माना कि y is equal to sin x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log लेंगे दोनों तरफ, log y equals to log of sin x whole power x और बेस में ये e है। प्रॉपर्टी जो प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में लगाई थी n की पावर n log के अंदर n log m यूज हो जाएगा, तो ये x आपके आगे है और ये log sin x टू दी बेस e, ये log y टू दी बेस e। अब x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर लें तो log y का हो जाएगा 1 upon y और y का खुद का हो जाएगा dy upon dx, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1 upon x होता है या y को x मान के कर रहे हैं तो 1 upon y आ जाएगा और y का डिफरेंशियल dy upon dx या मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, यहां यूनिट टू भी लगाएं x d by dx of log sin x to the base e plus
log साइन x टू दी बेस e, इस बार आप x अगर है तो d बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहां पर x, इसको x मान लें, log x का 1 अपॉन x होता है, तो इसको मन में x मान लें, 1 अपॉन साइन x आ जाएगा, जिसको x की तरह यूज किया था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना है, प्लस log साइन x और यहां पर x का 1 हो जाएगा, x 1 अपॉन साइन x का डिफरेंशियल है cos x, प्लस log साइन x इंटू 1, तो sin रहेगा। अब आप यहां पर देखें 1 अपॉन y और ये dy अपॉन dx, y को क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर ले लो और यहां जो वैल्यूज बन रही है x cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा, cot x प्लस log ऑफ साइन x, बीस में ही रहेगा आंसर, y की वैल्यू बदले वापस इस फर्स्ट इक्वेशन से मार्क करके, तो साइन x 4 पावर x और ये x cot x प्लस log ऑफ साइन x इसका आंसर हो जाएगा, ये टू डी बेस ई में टेंगर से यहां टू डी बेस ई के यहां टू डी बेस ई के टू डी बेस ई की, तो आपके बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करें। इसका थर्ड पार्ट है x की पावर log x टू डी बेस ई, इसका डिफरेंशियल करना है, तो सबसे पहले आप इसको y के इक्वल लेट कर ले, माना कि y इक्वल टू दिस, अब इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log लेना सबसे बेटर, log m की पावर m n log m, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज कर लेंगे, जो बेस यहां होगा वही यहां यूज होगा, तो log दोनों तरफ अगर लेते हैं तो log y इक्वल टू log ऑफ, यहां थोड़ा सा सावधानी से, log x बेस ई, इस x की जो पावर है वो आगे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, और ये log x टू दी बेस ई इनटू log x टू दी बेस ई, अब ये दोनों सेम है तो आप इसको log x टू दी बेस ई होल पावर 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखें इसके अंदर ये 2 आगे नहीं आएगा, मिसकंसेप्शन होता है, जो 2 आगे आएगा रॉन्ग होगा, ध्यान रखें, क्यों, क्योंकि पूरे log x के ऊपर पावर है और यहां पर सिर्फ m के ऊपर होने पर ही आगे आती है, बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, ये log y और ये टू दी बेस, अब आप इसमें इसका डिफरेंशियल करें तो d by dx of log y to the base e is equals to d by dx of log x to the base e whole to the power 2। यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो d by dx of x to the power n n x n माइनस वन, ये वाला क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो x की पावर n क्या होता है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट की वजह से लगता है ये, तो इसको x मन में मान ले, कहीं लिखना नहीं है, इसको मन में x माने तो ये आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा और पावर में कम हो जाएगा 2 माइनस वन, अब जिसको x मान के कम किया था उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर क्या हो जाएगा log y का 1 अपॉन y, y का खुद का हो जाएगा dy अपॉन dx, क्रॉस मल्टीप्लाई से y को ऊपर लेते हैं तो dy अपॉन dx, यहां y ये 2 ऑलरेडी पड़ा है, log x टू दी बेस e 2 माइनस 1 1 हो जाएगी पावर और log x का हो जाएगा 1 माइनस x, y की वैल्यू पुट करें इसके अंदर, y की वैल्यू यहां से इसको फर्स्ट नंबर इक्वेशन डालने वाले, तो हमारे पास dy upon dx is equals to इस y की वैल्यू x की पावर log x to the base e और ये 2 log x ऑलरेडी है, 2 log x to the base e और ये upon में x, अब ये देखो ये भी x की पावर log x है और ये x की पावर 1 है, दोनों बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट्स छोटी क्लास से पढ़े हैं अपन ने कि अगर इस तरह से वो सिचुएशन यहां x की पावर m और ये x की पावर n हो ना तो m माइनस n अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप इसको ये वाली प्रॉपर्टी अगर यूज करें, ये कब होती है जब बेस दोनों का क्या है सेम।
सेम वैल्यू तो ही होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये x है, ये भी x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर log x है, तो 2 को कांस्टेंट को आगे लें और यहां पर x की पावर log x टू दी बेस e और ये माइनस 1, माइनस 1 कौन सा है, इसकी पावर, और आगे आ जाएगा ये log x टू दी बेस e, ये इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए सॉल्व करें तो आपके बहुत इजीली इसके आंसर आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 का ये फोर्थ पार्ट जो है ना, इसके अंदर x की पावर 5x दे रखी है। इसका डिफरेंशियल करने के लिए सबसे पहले इसको लेट y इज इक्वल टू, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो log n की पावर n इक्वल टू n log m, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें दोनों तरफ log, जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो log लेना सबसे बेटर नहीं है, log of x की पावर sin x टू डिग्री सी और टू डिग्री सी। अब log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो sin x आके आ जाएगा और ये हमारे पास log x टू डिग्री सी और ये log y टू डिग्री सी। अब इसका डिफरेंशियल करें, d by dx of log y टू डिग्री सी इज इक्वल टू sin x को एज इट इज लिखते हैं, यूनिट टू भी लगाएंगे, d by dx of log x टू डिग्री सी प्लस, अब की बार log x टू डिग्री सी को फ्री करते हैं और डिफरेंशियल सिर्फ sin x का। यहां पर log y का 1 upon y, y का खुद का dy upon dx, ये sin x, log x का 1 by x प्लस log of x to the base t into sin x का हो जाएगा cos x, cos multiply से y को ऊपर लें तो dy upon dx equals to y और यहां आ जाएगा sin x upon x प्लस cos x हो चाहे तो पहले लिख लें log x to the base t, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से शिफ्ट कर दें तो ये x की पावर sin x और ये sin x upon x प्लस cos x log x to the base t, ब्रैकेट ओपन करें तो यहां पर x की पावर जो है और यहां पर x की पावर 1 है, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर ऊपर तो रहेगा x की पावर sin x, अब चाहे तो इसको यहां पर कॉपी कर लेते हैं तो यहां पर आएगा मेरे पास dy upon dx is equals to x की पावर sin x और इनटू ये sin x upon x प्लस यहां पर x की पावर sin x इनटू cos x इनटू cos x एंड ये log x टू दी बेस टी। अब इसमें देखो ये x की पावर sin x है और ये x है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर sin x है, तो दोनों का रिजल्ट अभी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि मैं वापस लिख देता हूं, a की पावर m ये से लिख लो भाई, a की पावर m होना तो अगर दोनों बेस सेम है तो ये हमारे यहां m माइनस n हो जाता है। तो यहां पर x की पावर sin x और x की पावर 1 है, ये हो जाएगा sin x माइनस 1 इनटू ये वाला sin x बड़ा है प्लस इसमें एज इट इज लिखेंगे x की पावर sin x इनटू cos x एंड log x टू दी बेस टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा केयरफुली सॉल्व करें, प्रॉपर्टीज का पूरा यूज करें जिससे कि सिंपलीफिकेशन बहुत इजी हो जाए और लॉग डिफरेंशियल आराम से कर पाए। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लॉग के प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।